सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज किस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ आप लोग के डीएलएड एग्जाम को लेकर के, आपके एग्जाम होंगे या फिर आप प्रमोट कर दिए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, आपको कौन से सेमेस्टर की पढ़ाई अभी करनी चाहिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे प्रशिक्षु ऐसे हैं जो लगातार कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम आखिर में हम लोग तैयारी किस चीज की करें और किस सेमेस्टर की करें, लगातार कंफ्यूजन बनी हुई है। तो आज की इस वीडियो में आपकी सभी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है और सही से समझना है। इसके अलावा आपको किस विषय की पढ़ाई कैसे करनी है, कैसे आपको पढ़ना है कि आपको अच्छे मार्क्स मिले, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों, यूपी टीईटी 2020 सहित अन्य परीक्षाओं पर असमंजस। दोस्तों, असमंजस की स्थिति क्यों बनी हुई है, इसका सबसे बड़ा रीजन यहाँ पर आप देखिए, कोरोना संक्रमण से परीक्षाओं का जो शेड्यूल है वो पटरी से उतर चुका है। तय समय पर होने वाले इम्तिहान ना हो पाने से अन्य परीक्षाओं का प्रस्ताव भेजने की हिम्मत भर्ती संस्थान नहीं उठा रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर अगर मैं यूपी टेट की बात करूं तो यूपी टेट तो आप लोग जब प्रशिक्षण आप लोगों का सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट होता है उसके बाद आप लोग यूपी टेट का एग्जाम दे सकते हैं। तो अगर मैं 19 बैच के प्रशिक्षुओं की बात करूं तो अभी तो वो टीटी दे ही नहीं सकते, खाली 2018 बैच के प्रशिक्षु ही इसको दे सकते हैं। तो यहाँ पर 2018 बैच के प्रशिक्षुओं के लिए छोटी सी न्यूज है कि अभी यूपी टीटी 2020 कब तक होगा इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है कोरोना संक्रमण की वजह से। अब दोस्तों जो सबसे बड़ी बात आती है वो आप लोगों के एग्जाम होंगे तो कब तक होंगे और क्या स्थिति है। दोस्तों, जब से आप लोगों के परीक्षाएं स्थगित हुई हैं, मार्च में स्थगित हुई हैं, उसके बाद अप्रैल मई जून तीन महीने तक पीएनपी की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं दी गई आप लोगों के एग्जाम से संबंधित कि आप लोगों के एग्जाम होंगे या फिर नहीं होंगे। अंततः जब आप लोगों ने लगातार ट्विटर के माध्यम से, इसके अलावा लगातार आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से अधिक अपनी आवाज जब उठाई, लगातार आप लोगों ने धरना भी दिया और बहुत सारी मेहनत करने के बाद अंततः पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी जी के द्वारा एक बयान जारी होता है, उसमें वो ये कहते हैं कि डीएलएड के प्रशिक्षुओं को प्रमोट करने का कोई भी प्रावधान नहीं है और उन्हें प्रमोट नहीं किया जा सकता, उनका निश्चित रूप से एग्जाम होगा। इसके बाद फिर प्रशिक्षुओं की ओर से लगातार दबाव बनता रहा, फिर अंततः पीएनपी सचिव जी ने शासन को प्रस्ताव भेजा कि आप लोगों को प्रमोट कर दिया जाए, जैसे 2019 बैच के प्रशिक्षुओं को फर्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाए और 2018 बैच के प्रशिक्षुओं को थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर पीएनपी सचिव ने शासन को प्रस्ताव तो भेजा लेकिन शासन की तरफ से अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर जो असमंजस की स्थिति बनी वो इसलिए बनी क्योंकि की साइट पर एक न्यूज आती है कि 2019 बैच के प्रशिक्षुओं का एग्जाम होगा और निश्चित रूप से जल्दी ही होगा और 18 बैच के प्रशिक्षुओं का कोई भी एग्जाम नहीं होना है या उस पे इसके बारे में कोई जिक्र ही नहीं था 18 बैच के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर लगातार इतने सारे बयान आ रहे हैं, एक बार कहा जा रहा है प्रमोट नहीं किया जाएगा आप लोग को, एक बार कहा जा रहा है कि प्रमोट करने के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है, उसके बाद साइट अपडेट होती है लेकिन वहां पर ये निश्चित रूप से क्या हम ये थोड़े कह सकते हैं कि हाँ जो साइट पर न्यूज आई थी वो बिल्कुल सही है। इसका रीजन ये है दोस्तों कि पीएनपी सचिव जी ने स्वयं ही ये चीज कही कि हमने अभी तक इस तरीके से साइट अपडेट नहीं की है और हमने अभी तक इस तरीके की कोई सूचना नहीं डाली है, हमने केवल शासन को प्रस्ताव भेजा है और जैसे ही वो प्रस्ताव का जवाब आता है हम आप लोगों को बताते हैं कि शासन की तरफ से क्या जवाब आया है, आप लोग को प्रमोट किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर मैं बात कर लूं कि आखिर में इस स्थिति में आप लोगों को क्या करना चाहिए। लगातार 5 महीने हो जा रहे हैं दोस्तों, 5 महीनों में कोई भी चीज अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है आपके एग्जाम होंगे या फिर नहीं होंगे। तो दोस्तों जब ये चीज क्लियर ही नहीं है आपके एग्जाम होंगे या फिर नहीं हो पाएंगे तो यहाँ पर मैं कैसे कह दूं कि केवल आप लोग सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी करिए और 2018 बैच के प्रशिक्षु केवल फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी करिए। दोस्तों ये चीज मैं अभी इसलिए नहीं कह सकती हूँ क्योंकि यहाँ पर अब आप देख सकते हो इतनी खराब स्थिति है कोरोना महामारी की, इसके बाद भी 2020 बीएड एंट्रेंस एग्जाम का एग्जाम कल ले लिया गया, इतनी भीड़ थी दोस्तों, इतनी भीड़ थी सारे सेंटर्स पर, आप देख सकते हैं क्या स्थिति थी। आपको मैं दिखाती हूँ, आप ये देखिए यहाँ पर कहीं भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग नजर आ रही है, आप देख सकते हो ये स्थिति थी परीक्षा सेंटर्स पर। तो यहाँ पर इतने सारे लोग अगर इकट्ठे होंगे, इतने सारे लोग इतने पास पास रहेंगे तो आप सोच सकते हो कि किस तरीके से जो ये महामारी है, आप सभी लोगों को पता है कि
एक दूसरे को टच करने से, एक दूसरे यहाँ तक कि हवा से भी ये फैल सकता है। तो यहाँ पर तो सरकार को अच्छे से शासन को इंतजाम करना चाहिए था इस परीक्षा को लेकर के, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उनके सभी दावों की पोल खुल गई है। तो अब यहाँ पर दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीईओ की परीक्षा भी 16 अगस्त को हो रही है। तो फिर दोस्तों हम लोग किस आधार पर आपको ये कह दें कि आप लोग प्रमोट हो जाएंगे, आप लोग तैयारी मत करिए फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की? दोस्तों बिल्कुल नहीं हम लोग ये कहेंगे। बस यहाँ पर दोस्तों अब आप लोगों के लिए क्या सलाह है वो मैं आपको बता दूं। सलाह ये है कि आप लोग जो 2019 बैच के प्रशिक्षु हैं, अगर आप 4 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो 4 घंटे में से आप 3 घंटे सेकेंड सेमेस्टर पढ़िए, लेकिन कम से कम 1 घंटे आप फर्स्ट सेमेस्टर के रिवीजन पढ़ दीजिए। सेम यही चीज 2018 बैच के प्रशिक्षुओं के लिए भी मैं कहूंगी कि अगर आप 4 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं तो 1 घंटे रिवीजन पढ़ दीजिए अपने थर्ड सेमेस्टर के, बाकी अपने फोर्थ सेमेस्टर की पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। दोस्तों जब भी एग्जाम डेट आएगी, पीएनपी की तरफ से ऑफिशियल न्यूज आएगी, तो उसमें कम से कम आपको 15 से 20 दिन का टाइम वैसे भी मिलेगा, आप अच्छे से उसमें और अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। तो इसलिए आपके पास टाइम पर्याप्त है, आपको टेंशन नहीं लेना है किसी भी प्रकार का। और सरकार भी ये कोशिश करेगी कि इस तरीके से इस भयावह बीमारी में आप लोगों को ना धकेला जाए दोस्तों, क्योंकि ये सच में ये बहुत ही खराब चीज है, ये जो भी कोरोना संक्रमण है ये बहुत ही खराब है। इसलिए क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इम्यूनिटी की बात है, जिसका इम्यून सिस्टम अच्छा है और जिस तरीके से वो लोग ठीक हो जा रहे हैं, नहीं तो बहुत लोग लड़ते जा रहे हैं इस बीमारी से। तो दोस्तों इस स्थिति में मैं ये तो नहीं कहूंगी कि एग्जाम कराना चाहिए, क्योंकि स्थिति सच में बहुत खराब है। और अगर अभी तक प्रमोट के संबंध में कोई न्यूज नहीं आई है तो हम ये भी नहीं कह सकते कि आप लोग प्रमोट हो गए हैं। तो इसलिए आप लोग रिविजन क्लासेस अटेंड करते रहिए। बाकी हम लोगों ने आपके सेकेंड सेमेस्टर के सभी विषयों को अच्छे से पढ़ाया है, वो भी हाथों से लिख करके हैंड रिटन नोट्स बनाया है, आप लोगों को सभी विषयों को अच्छे से समझाया है, उसके बाद सभी विषयों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी करा रहे हैं हम चैप्टर वाइज। इसके अलावा हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर का भी रिवीजन क्लास स्टार्ट कर दिया है। आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, साइड में आई बटन पर भी क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं को भी सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप अच्छे से देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हम लोगों ने आपके लिए बहुत ही अच्छे से दोस्तों सभी विषयों को एक ही साथ एक दोस्तों हर एक विषय का हम लोगों ने आप ही के लिए एक एक प्लेलिस्ट बना दिया है, ताकि हर एक विषय के प्लेलिस्ट को जब आप क्लिक करेंगे तो आपको उस विषय की सभी वीडियोस मिल जाएंगी और आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा किसी भी वीडियो को। तो हमने कोशिश की है इस तरीके से बनाने की कि आप लोगों को सभी विषय अच्छे से समझ में आ जाए और आपकी तैयारी जो है वो बहुत ही अच्छी चले। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, बस क्या करना है, बस पढ़ते जाना है जब तक कोई न्यूज नहीं आती। अगर आपने पढ़ाई बंद कर दी दोस्तों तो ऐसा मत करिए, क्योंकि अगर आपके एग्जाम्स हो जाते हैं तो आप लोगों की तैयारी रहेगी तो आप लोगों के मार्क्स भी अच्छे आएंगे। तो बहुत जरूरी है कि जो मैं यहाँ पर दोस्तों आप लोग को बता रही हूँ उस बात को प्लीज आप लोग ध्यान से सुनिए, और आप लोग अपने सेकेंड सेमेस्टर पर भी ध्यान दीजिए, फर्स्ट सेमेस्टर पर भी ध्यान दीजिए 2019 बैच के प्रशिक्षुओं के लिए, ठीक है? और अगर यही बात मैं 18 बैच के प्रशिक्षुओं के लिए करूँ तो उनको भी यही मेरी सलाह है कि वो लोग भी दोनों ही सेमेस्टर को पढ़ते हुए चलें। और आपको तय करना है कि प्रायोरिटी हम किस सेमेस्टर को ज्यादा दें, क्योंकि जो करंट सेमेस्टर चल रहा है, जिसकी पढ़ाई एससीईआरटी की तरफ से भी कभी कभी कराई जा रही है, तो इस स्थिति में दोस्तों लगातार आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग पढ़ते हुए चलिए, और कभी भी एग्जाम होता है तो आप लोगों को उसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहना, और वैसे भी घर से बाहर नहीं निकलना है, जो स्थिति है इसमें आपको घर ही में रहना है। तो आप अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं अच्छे से तो आपकी प्रिपरेशन कहीं और जाएगी नहीं, लगातार आप लोग लगे रहिए दोस्तों। और जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या है आप हमसे पूछ सकते हैं, आप सभी को पता है कि टारगेट यूपीटेट सीटेट जनरल सभी प्रशिक्षुओं के हित में लगातार तत्पर रहता है, और लगातार आपकी कोई भी क्वेरीज आती हैं तो उसको हम आपकी सभी समस्याओं का समाधान हम करते हैं अपने चैनल पर। तो बस ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए, सभी वीडियोज को देखते हुए रहिए, जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या दोस्तों आप लगातार ऐसे ही हमसे पूछते रहिए। तो उम्मीद करती हूँ आज के इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी और बहुत सारी चीजें आपको समझ में भी आई होंगी। तो एक बार फिर से दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि हम जो भी नई वीडियोज बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप लगातार हमारे सभी वीडियोज को ऐसे ही देखते रहे। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।